देखे बड़ी धूमधाम से प्राचीन मर्यादा के आधार से इन बस्तियों के भक्तों को, मैं दूर दराज से आने वाले भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सनातन धर्म की मर्यादा भगवान श्री राम की कथा संतों के दरबार में बाबा तुलसी ने कहा भी है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय शुद्ध दारा और लक्ष्मी घर पापी के भी पुत्र स्त्री और धन पापी भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन संतों के सदनों के दर्शन और भगवान हरि की कथा इस कलयुग के अंदर प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम रति कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम नौ प्रकार की भक्तियों में बाबा तुलसी की एक एक अक्षर वेद की वाणी है। वाल्मीकि के समय श्री हनुमान जी ने भी रामायण बनाई रची थी। रामचरित्र मानस को कहते हैं भगवान शंकर के मन में भगवान श्री राम की लीला बसी हुई थी। उनके मन में मानस यानी भगवान शिव के मन के अंदर श्री राम भक्ति का जो अटूट श्रद्धा का प्रेम था और जो लीला और चरित्र था वो भगवान शिव के मन से प्रकट हुआ, जिन्होंने शक्ति माता पार्वती को अमर होने के लिए सुनाई श्री राम चरित्र मानस। देखे कालसमुद्र ने सुनाई गरुड़ जी को और याग्वलक मुनि ने सुनाई भारद्वाज मुनि को और बाबा तुलसी ने अपना रचा हुआ ये राम चरित्र मानस बहुत हजारों संतों के सामने सुनाई ये राम चरित्र मानस काशी धाम में। ऐसी पवित्र रचना कलयुग केवल नाम आधारा समर सुमर यहाँ परंपरा से ब्राह्मण विद्वान आते रहे हैं, आज भी उनके ही वंशज हैं। जैसे मेरे छोटे पोते हैं आपकी सेवा में, मेरे पूर्व वक्ता परमानंद जी का प्रश्न था कि दंडक वन का नाम दंडक वन झोंपड़ा। भाई संजय शास्त्री ने प्रश्न किया कि सुरपुरखा का दूसरा नाम के कोई थाक नहीं था, अखन देख लो प्रश्न कर वाला ही दो ही थे तो ये बतलार भी आता हूँ माना कहला हूँ। या तो बस ती फैसलो कर लियो सीताराम जी तो सीधो जवाब जय शिव जय जय वैसी ठाकुर जी सुना देते, लेकिन मैं बात है हमारे दो कभी होंगी श्री परमानंद जी और भाई श्री संजय शास्त्री जी जो मेरे गुरु भाई भी हैं और इनकी लीला कुछ संकेत में इस भजन के द्वारा भी सुनी है कि ऐसा तो गुरु भाई नहीं दे किसी को, वो तो भजन से चुनना कुछ संकेत में। लेकिन जैसे आप शास्त्री हैं जैसे संगत बैठे तस्तो ही फल दी, भाई अनपढ़ की संगत बैठे तो पटोड़ोगे अनपढ़ हो जाए जबरदस्ती माता होना वो पटोड़ोगे वो चरण पढ़ा है अनपढ़ के बैठो के तपस्वत्या तपस्वत्या कृतम तपस्वी बागविदाम वरम नारदम परिपृथ्वी वाल्मीकि मुनि पुंगवम। ये रामायण का इतिहास प्रसंग शुरू जो करते हैं शास्त्री जो होते हैं विद्वान जो होते हैं जैसे महाभारत में कहते हैं नारायणम नमस्कृते नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो दय
गृहित। इसी प्रकार राम कथा में भी कहते तप स्वाध्याय कृतम तपस्वी पापिदाम परम नारदम परिप्रच्छे वाल्मीकि मुनि पुंगम। अरे संदेशात्री बात हो मेरे लिए बात एक आल प्रसंग करे थे कि मारली खोल तो मैं कि मैं खोले चतो। अरे मैं खोला कथा ही दौड़ माती सुनिए भगवान के माध्यम से कथा भी जैसे आपके समय सभी ये विद्वान होंगे आज भी वहां बच्चे हो और ये करो
Oh,
बढ़िया, सोचे कड़े बहुत लगा।
और विद्या भी मिल जाए तो शरीर फिर शुद्ध होना